प्रदेश के एक और गाय संरक्षण केंद्र, गो सेवा केंद्र, गो आश्रय केंद्र से बोलते हैं। गो आश्रय केंद्र में है, आप देख सकते हैं यह टीन शेड है, पहले का है यह, और इसी में गो आश्रय केंद्र बना दिया गया है। गायों की संख्या अभी हम इन लोगों से जानेंगे, पहले आप गायों को देख लीजिए, इनकी दीनहीन स्थिति को आप देख सकते हैं। यह आंसू गिर रहे हैं अधिकांश गायों को, इनको देखिए, आंसू गिर रहे हैं। उधर भी एक बुढ़िया गाय है, इधर भी है, और यह भूसा में कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं भूसा, सूखा भूसा खा रहे हैं, क्योंकि पेट अधम है और किसी न किसी तरह से इसको भरना है। सूखा भूसा खाएंगे, यहाँ कुछ और चारा नहीं है, यहाँ सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। हम इस समय गाजीपुर जनपद के जखनिया विकास खंड, जखनिया तहसील के जलालाबाद न्याय पंचायत, जलालाबाद ग्राम पंचायत में, यह सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आप यहाँ देख रेख करते हैं जी, सफाई कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सर। प्रमोद, आप लोग कई लोग हैं यहाँ? दो आदमी। कितने इस समय हैं यहाँ? प्राइवेट में लोग रखे गए हैं। तीन प्राइवेट में, दो लोग आप लोग, पांच लोग। पांच लोगों के जिम्मे इन्हें खिलाना है, इनको धुलाई उलाई तो कभी होती नहीं होगी, पानी पिलाना, अच्छा कभी कभी धुलते भी पिलाया जाता है, दे के भरा हुआ सर, उसको हम लाइन आता है तो भर देते हैं दिन भर। अच्छा, यह नाद है तो एक नाद में कह लोग, अच्छा नहीं अभी तो नाद ही नहीं, इसको बोलेंगे लोहे की नाद है, और उधर कुछ सीमेंट की नाद है, इधर भी लोहे की नाद है जिसमें ये लोग खा रहे हैं। कितने चरनी है? छह को चरनी है। अच्छा तो आवतन तो उसे बतिया, क्या नाम बतवार? हरी लाल मोरे हरी के लाल, ये सुन ले बाकी ना की सुन लेंगे कैसे है आए? गाड़ी गावल लोग मोरे हरी के लाल सुन ले ना, हरी लाल रहे वाला कहाँ के हुआ? अच्छा तो कितना देना लोग? 5,000 देना, काम तो बढ़िया बा, बहुत काम बा ना, 5,000। ये हरिलाल तो ये मरली तो गड़ाली लोग की का होला की फेंक जाने को फेंकानी को दा गाड़े में उधर टूट जाते हैं लोग। अच्छा ढंग जाने को तो पा जाते हैं, लगा लेना सर जो टूट पे जाते हैं तो कहो, अब तब ज्यादा मरी है तो टूपहू की जगह ना मिली? नहीं सर उतना नहीं, जेसीबी आवेला तुरंत लगा के माटी फेंक दी। अच्छा जेसीबी आवेला वही से खन जाला, तो टूपा जाले तो महकत ना हुई है, कैठे टूपला लोग बहन? अबे तो दो गो तीन गो फेंकनी जा। अच्छा तीन गो अपनी होश में फेंकला, तो ये है साहब, देखिए ये है इनके गो आश्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश का गो आश्रय केंद्र है जिसे आप देख रहे हैं, और इन गायों की सेहत को भी देख रहे हैं। 30 रुपया एक गाय पर आता है, एक गाय पर 30 रुपया। चोकर वोकर तो है नहीं समय? नहीं है सर, सब कुछ है, नमक है, चोकर। अच्छा नमक है, चोकर है, इन लोग की व्यवस्था सारी है। हाँ अभी लाएंगे तो अब उसमें डाल, लेकिन अगर हरा चारा वरा रहेगा तो बढ़िया सही है लोग इनका। चरने जाते हैं तो 2 बजे खुल जाते हैं गेट से बाहर। अच्छा मतलब चरने के लिए जाते हैं अपन, हूँ यहाँ देख रेख कर ला ये है ना, ये 1, 2, 3 है लो। अच्छा 1, 2, 3 यो हुआ, क्या नाम है भैया तुम्हार? सुहारत नाम है। सुहारत? सुहारत हाँ सर। अब तो हिकुल्लान दवाई वाई ले ला, जो सजवा के लेते रहा, अब तो छोड़ दे ले बा, ये समय तो मिलत ना बा है बताओ, अब मत लिया। हाँ तू बहुत ले ले बा पहले का, अब मत लिया, तो आर औरत है ना? हाँ सर। अच्छा लड़का क्या? लड़का लड़की है सर तीन। तब बताओ तो कितना दिन की दवाई ले ले इस समय संजवा वाली? संजवा वाला साँझ कर ले ले, साँझ कर एक सीसी, एक का सीसी ले ला ना कि ढेर? कितना के मिले ले एक सीसी? 65 रुपया का मिले ले सर। 65 रुपया के मिल जाले, बिचवा में तो मिले ना है ना, अब मिल जाती है। ये है सुवारत जी, और सीसी 65 रुपये की मिलती है, यहाँ तो के 5,000 मिल रहा, कितना मिल रहा? 5,000। तो सीसी का एक महीना में कितना लग जाता हुई? कौन लगत हुई वही ना लगत हुई, 65 रुपया में मिल जाए। 65 रुपया में एक सीसी लेते हैं, शाम को लेते हैं, भगवान मालिक है ना, सरकार सरकार चलेगी नहीं बगैर सीसी के, सीसी बेचेगी तभी सरकार चलेगी, और यह अभी तभी चलेंगे जब सीसी पिएंगे। सीसी पीने से तन झनझनाहट दहिया में आ जाले ना, थकानों का अंतनी कभी कभी थकावट आ जाते, थकानों का अंतनी कम हो जाले। सुवारत, सुवारत नाम बतौला है ना, सुवारत कौन कौनी बिरादरी में आवाला? बतावा देखिए भैया,
या स्वार्थ हैं, दलित वर्ग के हैं, रोज सीसी इनको चाहिए। अब थकान हो जाती है तो सीसी पिएंगे ही। अच्छा ये बताओ दूध क्या भाव है इस समय? अभी ना बता सकते। दूध का भाव ना पता है? 25 रुपया हुई, कितना हुई हो? 30 रुपया। 30 रुपया में शुद्ध दूध मिल जाए तो अगर एक सीसी ना ले बा तो कितना मिली? तो 2 लीटर से अधिक दूध मिली। खीर खेले वकी ना? खीर तो आप 2 लीटर में पूरा घर भर खीर खाई तो कहाँ ऐसा करता हुआ तू? छोड़ा एक मन करता सर, अब काम ना इच्छा मांगता दारू। हाँ 3 दिन 4 दिन में पी लेते हैं, उतना नहीं। अच्छा तो होश में सबसे कम सीसी कितना में आवे जब शुरू कर ले रहा था? तो उस समय सर 20-25 रुपया मिलता। उतने ना दाम बढ़त गया, लगातार बढ़ावत गई ना। तो तुम्हारे गाँव में कितना लोग सीसी लेना? अब कितना जाने की हम गिनती ले ले सर, कितना जाने की। लेकिन पिए तो घर घर जनवा एक आदमी तो होबे करी। जितने लोग हैं इनके गांव में घर जनवा एक आदमी, मतलब घर पीछे एक आदमी जरूर पीता है। इधर आप देख रहे हैं कुछ अच्छी गायें भी लोगों ने छोड़ दिया है, केवल सरकारों पर दोष मढ़ना यह अच्छा नहीं है। लोग भी गंदे हैं जो गोवंश को, अभी गाय तो अभी भी बच्चा दे सकती है अगर खिलाया पिलाया जाए। एक अच्छी गाय दिख रही थी तो उसको भी 2-3 ठोची है ना। यही वह सच्चाई है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, जिसे मीडिया नहीं दिखाएगा। वह तो दिखाएगा कि चारों तरफ कूल कूल है और गोवंश का संरक्षण है, गोवंश पूरी तौर पर अच्छी दशा में है, यह भी दिखाया जा रहा है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि गोवंश की यह हालत है। आवश्यकता इस बात की है कि 30 रुपया से अधिक इसको किया जाए। 30 रुपए में एक गाय का पालन नहीं हो सकता। दूसरा विषय, कोई बात नहीं, प्रधान जी से बात कर लेंगे हम। दूसरा विषय कि इनके लिए संरक्षण के लिए और भी नाद बनवाया जाए बढ़िया से, एक जगह इन्हें खिलाया जाए, दूसरी जगह इन्हें हटाया जाए। दोस्तों यह है जलालाबाद का गो आश्रय केंद्र जिसे हम दिखा रहे हैं। कितने पशु हैं? 135। यह संख्या भी अधिक है, एक स्थान पर इतने नहीं रखे जा सकते और यह जगह भी कम है। दोस्तों सत्य बात कहना पड़ेगा और यह बात प्रदेश के मुखिया तक, गाजीपुर के जिलाधिकारी तक हम संप्रेषित करना चाहेंगे कि गोवंश की दुर्दशा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेश है। आज जलालाबाद मंडी में जो यह गो आश्रय केंद्र है उसे देखते हुए बताते हुए धन्यवाद। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।